हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। आज का टॉपिक जो है वो मेरे दिल के सबसे करीब वाला टॉपिक है और इसलिए मैं इस पे बात करने की कोशिश करूँगा। पहले कुछ समस्या को समझ लेते हैं, क्या समस्या होती है जो तमाम स्टूडेंट हम लोग, हम मैं भी स्टूडेंट हूँ, तुम भी स्टूडेंट हो, हम सभी स्टूडेंट हैं, तो हमें एक समस्या को हमेशा लड़ना पड़ता है। एक समस्या पर वो होता है कि हमें पेन होता है, हमें हम एनजाइटी फील करते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है और ये सारी समस्याओं से हम घिर जाते हैं। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि दुनिया का कोई भी समस्या है उसका समाधान एक जगह पे है। आज एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने बताया है कि इस बुक में सारी दुनिया के जितनी भी प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन है, बट तुम्हें ढूंढना आना चाहिए। ओके, अब बात समझते हैं क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होता है क्या कि हम शांत नहीं हो पाते हैं, हमें ज़िंदगी में शांति चाहिए और हम शांत नहीं हो पाते हैं। अब शांति के लिए हम पहाड़ों पर तो चले नहीं जाएंगे, हमें इस दुनिया में रहना है, पहाड़ पे तो नहीं जाना है, साधु बनना नहीं है। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, लेकिन हमें शांत रह के जीना है, तो क्या क्या करना चाहिए। तो इसको हम लोग बात करते हैं कि पहले शांति क्यों नहीं हमें मिलती है, इस पर बात करते हैं, क्यों नहीं मिलती है इस पर बात करते हैं, फिर मिलेगी कैसे इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो क्या होता है, अटैचमेंट की तरफ जाती है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, जैसे मेरा फ़ोन है, हम अपने फ़ोन से अटैच हो गए, बुक से अटैच हो गए, किसी लोग से अटैच हो गए, डिग्री से अटैच हो गए, मार्क्स से अटैच हो गए, ये पहले हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, हम लोग क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। गलत नहीं है, बट अभी गलती कहाँ पर होगी वो उस पर ध्यान देते हैं। पहले तो हम अटैच हो गए, जैसे ही चीज़ों पर अटैच होते हैं अगला स्टेप क्या होता है, डिज़ायर। अटैचमेंट के बाद किसी भी, जिससे भी आप, जिस फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी भी चीज़ से जब आप अटैच्ड होते हैं, तब उसके बाद एक डिज़ायर क्रिएट होती है। गॉट इट? अब क्या होती है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ायर आना गलत नहीं है, डिज़ायर आना ही चाहिए, क्योंकि डिज़ायर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मेरे को तुम्हें डिज़ायर नहीं आता कि तुम्हें बैचलर डिग्री नहीं है, तो कैसे तुम आगे बढ़ते। मुझे डिज़ायर नहीं आएगा कि मुझे अभी आगे जाना है, तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अब यहाँ पे दो केस होता है, डिज़ायर में भी दो केस होता है। अगर डिज़ायर पूरा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, और डिज़ायर पूरा नहीं होता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम को समझते हैं। डिज़ायर को हम कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन से जोड़ दिया है। कंप्लीट होता है तो खुश, नहीं कंप्लीट होता है तो दुख है। अगर तुम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा डिज़ायर है कि रिजल्ट आए, रिजल्ट नहीं आया, तकलीफ़ में, पूरे के पूरे सौरों तुम, पूरे के पूरे दुख में तुम हो। अगर रिजल्ट आ गया तो यू आर द बेस्ट, ठीक ना। उसी तरीके से जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया होगा वो तकलीफ में होगा, जिसका आ गया होगा वो तो बोल रहा होगा अपने आप को शेर, लेकिन तुम शेर नहीं हो, आगे बढ़ोगे तुम्हें मालूम चलेगा कि ये तुम्हारा एक चक्र है जिसमें तुम अभी हो, आगे भी तुम्हें ये मिलेगा, उसके आगे भी ये मिलेगा। गॉट इट यहाँ तक? अब बात आती है कि भैया कैसे करेंगे, अब क्या करें, तो ये तो होना ही है, हमारे साथ भी होता है, मैं भी डिज़ायर के साथ अटैच्ड हूँ, लेकिन अब सवाल आता है कि इससे कैसे निकलेंगे। ये प्रॉब्लम है, इससे निकलने का सॉल्यूशन है गीता के चैप्टर 2:60 नंबर 64 वर्स में, दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसका निदान किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है ना, तो तुम्हें क्या करना है, ट्राई टू फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, ट्राई टू फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है इससे बाहर निकलोगे, अगर इससे जैसे तुम बाहर निकलोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम शांत हो जाओगे। गॉट इट? तो अब सवाल आता है कि इस डिज़ायर से बाहर कैसे निकले, इस अटैचमेंट से बाहर कैसे निकले। अब देखो, मैं तो तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम मेडिटेशन करने बैठ जाओ, अपने सेंस पे कंट्रोल करो, भगवान को याद करो, क्योंकि ये सब है, ये सब ही इसके रूट में है। लेकिन चूंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ चंचल माइंड, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाता है हमसे, तो इसको कैसे कंप्लीशन किया जाए, इसको कैसे इस तक पहुंचा जाए, इस पे हम बात करते हैं। जो मैंने किया, जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि करोगे तो प्रॉफिट होगा, एक बुक है जेम्स क्लियर की, एक बुक है जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट। उसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन किया है ना, कि जो कुछ भी होता है ना, तुम्हारा जो विकास हुआ, तुम्हारा जो एटीट्यूड डेवलप हुआ, ये सारा कुछ तुम्हारे एटीट्यूड, सॉरी, तुम्हारा सारा कुछ तुम्हारे ना हैबिट से क्लियर बिल्ड होता है। ओके, ये हैबिट ही तुम्हें बना सकती है और हैबिट ही तुम्हें बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है ये हैबिट। अब भैया, तो हम, आप तो बता रहे थे कि हम मटेरियल डिटैच्ड कैसे होंगे चीज़ों से, इस पर बात कर रहे हैं। डिटैच्ड होने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों को छोड़ दो, अगर लोगों को छोड़ दोगे तो फिर तुम नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है वो। जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ओके, अब तुम बोलोगे कि देख तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुमसे अटैच्ड है, लेकिन तुम बोलोगे कि भैया हम तुमसे अटैच्ड नहीं होंगे, हम डिटैच्ड हैं, हम डिटैच्ड रहना चाहते हैं, हम हर चीज़ों से डिटैच रहना, भैया उसे प्यार चाहिए, तुम उसे बोलोगे कि मैं डिटैच्ड रहूंगा, वो छोड़ चली जाएगी तुमको। गॉट इट?
सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अटैच डिटैचमेंट को समझो पहले बातों को. डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता कि सब की सब कुछ को छोड़ दो, ओके भाग जाओ यहाँ से. अब बात करते हैं तो हमें क्या भैया डिटैचमेंट से कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जैसे प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हो गया, पहला स्टेप जो मैंने लिया, अभी मैं भी डिटैच नहीं हूँ, मैं भी सारी चीज़ों से डिटैच नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश अपने आप को महसूस करता हूँ कि एक स्टेप मैंने लिया, डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. यस, ट्राई टू डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये टी शर्ट तुम्हें दिख रहा होगा, ओके ये टी शर्ट अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट पहन सकता हूँ. पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट अगर मैं खरीदने जाऊँगा तो 500 के अप्रॉक्स में पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट मिलेगा, जबकि ये टी शर्ट मेरे को 50 रुपये में मिला है और मैं ये 50 रुपये का टी शर्ट पहन के खुश हूँ. इट मीन्स आई एम डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियल थिंग्स. ये टी शर्ट है मैं पहन रहा हूँ, दैट सिंपल. ओके दैट सिंपल. ओके अब ये मेरे घर ही है, ये मेरे पास एक वॉच है जो मेरे को बहुत पहले गिफ्ट किया गया. मैं चाहूँ तो फास्ट ट्रैक का वॉच ले सकता हूँ, बट नहीं, काम है घर ही दिख रहा है, दैट्स इट. डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. व्हेन यू स्टार्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम मटेरियल बींग्स, जब तुम इसका तुम्हें हैबिट बन जाएगा ना मटेरियल चीज़ों से डिटैच होने का, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो इमोशनल चीज़ों से भी तुम डिटैच होने की स्टार्ट कर दोगे. लेकिन पहले तुम्हें एक हैबिट जनरेट करना पड़ेगा, और वो हैबिट क्या है, डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. जो मटेरियल चीज़ें हैं उससे डिटैच्ड हो. अब मान लेते हैं कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाने का मन है, अब तुम्हारे अकाउंट में पैसा है लेकिन तुम्हें पिज़्ज़ा खाने का मन है, लेकिन तुम डिटैच्ड हो सकते हो. इफ़ यू वांट, चाहो, प्रैक्टिस करो. मन है पिज़्ज़ा खाने का, अपने आप से बोलो मैं नहीं खाऊंगा पिज़्ज़ा, दैट सिंपल. डिटैच्ड रहूंगा, ट्राई टू डिटैच. ऐसा नहीं, डिटैच का मतलब ये नहीं बोल रहा भाग जाओ, बट प्रैक्टिस करो. जब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे डिटैचमेंट का ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. घूमने का अटैच, घूमना है नहीं घूमेंगे, डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारे एक अंदर एक हैबिट जनरेट होगा. जब तुम मटेरियल चीज़ों से अपने आप को डिटैच करोगे तो एक हैबिट जनरेट होगा, और ये हैबिट तुम्हें जो है धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा आदत बन जाएगा. ये तुम्हारा धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा, और जब ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा तो तुम इमोशनल चीज़ों से फिर डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे. पहले स्टार्ट करो मटेरियल चीज़ों से डिटैच होना, ओके फिर आगे बात आए कि इमोशनल चीज़ों से डिटैच करेंगे. लेकिन अभी वो बहुत ही टफ टास्क है इमोशनल चीज़ों से डिटैच होना, लेकिन मटेरियल चीज़ों से डिटैच होना आसान है. ओके सो ट्राई. अगर तुम, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, गीता में इसकी चर्चा की गई है कि उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो फल की चिंता मत करो. फल क्या है? मटेरियल चीज़ है, इमोशनल चीज़ है, इमोशनल चीज़ है फल, उसकी चिंता छोड़ देंगे. मतलब डिटैच्ड फ्रॉम फ्रूट्स, तो ये अगला लेवल है, लेकिन पहले तुम्हें डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल थिंग्स करना है. ओके सो इतना मैं लास्ट में एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि हम सभी अभी फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ. मैं भी फाइट कर रहा हूँ, तुम भी फाइट कर रहे हो, हम सभी एक आपस में एक योद्धा है. इस योद्धा में ना बहुत अच्छे से युद्ध करते हैं हम लोग, जिंदगी से फाइट करना है बहुत अच्छे से करते हैं. और स्टार्ट पहले तो होगा तुम्हारा अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद डिज़ायर क्रिएट होगा. डिज़ायर पूरा हुआ तो खुश रहोगे, डिज़ायर पूरा हुआ तो नहीं हुआ तो दुखी रहोगे. प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, हम डिज़ायर से अटैच्ड हो चुके हैं. तो भैया इसी से हमें निकलना है. तो डिज़ायर एक इमोशनल चीज़ है, लेकिन इमोशनल तक पहुँचने के लिए हमें पहले फिजिकल चीज़ों से डिटैच्ड होना पड़ेगा. जैसे कम खर्च करो, चीज़ों को कम खर्च करो. कम खर्च करने का मतलब है कि इन्वेस्ट करो उन चीज़ों पे जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में. एक टी शर्ट पीटर इंग्लैंड का पहन के तुम्हें कोई ज़्यादा वो फ्यूचर में कोई फ्यूचर रन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 300 रुपये का तुम बुक खरीद लो. इट्स माई पर्सनल सजेशन, 50 रुपये का टी शर्ट पहनो, 300 रुपये का बुक पढ़ो. दैट्स द बेस्ट पॉइंट इन योर लाइफ. ये मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे गहरा अनुभव है कि 50 रुपये का टी शर्ट पहनेंगे, 300 रुपये का बुक पढ़ेंगे. दैट्स राइट. तो यही काम करना है, और खुश रहना सीखो. स्टार्ट करो खुश रहना सीखो, मटेरियल चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट करो. इन्वेस्ट करो उन चीज़ों पे, उन तमाम चीज़ों पे इन्वेस्ट करो जो तुम्हें फ्यूचर में तुम्हें आगे ले जाएगी. ओके हम फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए तरफ जा रहे हैं, ना कि फिजिकल चीज़ों पे अपने आप को अटैच करके. सो दर्द से बाहर निकलना है तो स्टार्ट करो डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम एवरी पेन. दैट्स कॉल्ड मूव ऑन. इसी को मूव ऑन कहते हैं जिंदगी में. मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता एक लड़का एक लड़की है ब्रेकअप हुआ तो मूव ऑन, दैट इज जस्ट सिंपल वर्ड मूव ऑन. बट मूव ऑन इज अ वेरी बिग वर्ड. मूव ऑन इट्स मीन्स यू आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम पेन. दैट्स कॉल्ड मूव ऑन. सो बेस्ट विशेस टू एवरी वन. थैंक यू गाइज.